वंस अगेन वेलकम बैक ऑन योर चैनल स्टेट टॉक्स। एक बार फिर से हम आ चुके हैं वृंदावन योजना में, रेडी टू मूव इन और या फिर हम कह सकते हैं नियर टू पोजीशन, दोनों ही बातें फिट बैठेंगी। यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी रेडी टू मूव इन है, कुछ नियर टू पोजीशन है। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान है इस प्रोजेक्ट को ब्रीफ करने के लिए, संतोष सर, आपका सर बहुत बहुत स्वागत है चैनल स्टेट टॉक्स में। तो सर आज हम कौन सा प्रोजेक्ट देखने वाले हैं, क्या नाम है प्रोजेक्ट का? हम देख रहे हैं रतन गैलेक्सी अपार्टमेंट्स। रतन गैलेक्सी, तो सर एक बार हम चाहेंगे कि आप व्यूवर्स को अबाउट द रतन गैलेक्सी, इसका लोकेशन कहाँ पर है, बिल्डर्स कौन है, क्या अप्रूवल्स है, एक बार बताएं प्लीज़ हमारे व्यूवर्स। ये रतन हाउसिंग डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है। ओके, राज रतन साड़ीज वगैरह आपने नाम सुना हो जी, ये उन्हीं से रिलेटेड है, वही ग्रुप है। हमारा पहला प्रोजेक्ट कमर्शियल है जो कि रतन स्क्वायर चौराहे पे कमर्शियल प्रॉपर्टी है, ऑलरेडी हमारा रनिंग है। लास्ट 10 ईयर से रतन स्क्वायर हमारा जो कि मोर देन 10 ईयर से वो ऑपरेशनल है। जी जी जी, ये हमारा रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है जिसमें भी हम पीछे हमारा फेज़ वन है, लास्ट 4 ईयर से उसमें भी लोग रह रहे हैं, 2020 से वहाँ पे भी लोग 200 प्लस फैमिली रह रही हैं। ओके, ये हमारा फेज़ टू तीसरा टावर है, लास्ट टावर 4.5 एकड़ का हमारा प्रोजेक्ट है जिसमें टोटल 3 टावर्स हैं। दो टावर बी एंड सी फेज़ वन के थे, फेज़ टू हमारा ए ब्लॉक है जो जिसमें हम जुलाई से पोजीशन स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें और रजिस्ट्री स्टार्ट होगी, जैसे रजिस्ट्री स्टार्ट हो चुकी है, तभी हम आपको इंटीरियर के पर्पज से हैंड ओवर कर दे रहे हैं। ओके, ऑफिशियली फिर हम आपको जुलाई से शिफ्टिंग के लिए भी परमिशन आपको मिल जाएगी। तो सर जैसे कि रतन गैलेक्सी आपने बताया, रतन स्क्वायर यहाँ पे डिलीवर्ड है और ये है, इसके अलावा कुछ और भी डिलीवर्ड है लखनऊ में? रतन साई रतन प्रेस्टीज के नाम से हमारा एक और प्रोजेक्ट है सीतापुर रोड पे, वो सिंगल टावर प्रॉपर्टी है, 2 BHK 3 BHK, सही लग... भी हमारा रेडी रूम मूव इन है। अच्छा, इमीडिएट रजिस्ट्री पोजिशन। अच्छा, तो सही कितने लैंड एरिया में प्रोजेक्ट हमारा बना हुआ है? ये हमारा रतन गैलेक्सी ये हमारा 4.5 एकड़ का है, 4.5 एकड़ में टोटल 3 टावर हैं अप्रॉक्स। ये 1 एकड़ का हमारा ये ग्रीन बेल्ट है जिसमें आपका पूल वगैरह, वॉकिंग ट्रैक, पार्क, ये सारी फैसिलिटीज़ आपको देखा, चीज़ें दिख भी रही हैं यहाँ पर, लाइव दिख रही है, क्या क्या चीज़ें एवेंटीज़ हैं। तो सर ये तो हो गया, एक अप्रूवल सर हमारे कहाँ कहाँ से हैं? बैंक अप्रूवल्स हमारे बैंक ऑफ बड़ौदा फेज़ टू में, अगर हम स्पेशली बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा जी, बैंक ऑफ इंडिया और ICICI, ये 3 बैंक अभी हम लेके चल रहे हैं। और आवास विकास तो हो गया, आवास विकास से ऑलरेडी है, रजिस्टर्ड लैंड है, इमीडिएट आपकी पेमेंट करिए, रजिस्ट्री कराइए अपनी, रेरा रजिस्टर्ड सर, रेरा वगैरह सारी चीज़ें सब कुछ है। और फैमिली यहाँ पे ऑलरेडी शिफ्टेड है सर? शिफ्टेड है ए ब्लॉक में, अभी हम हमारी रजिस्ट्री भी अप्रैल से स्टार्ट हो चुकी है। ओके, और बी और सी ब्लॉक में तो मोर देन 200 फैमिली रह रही है। तो अभी क्या क्या एमिनिटीज़ है इसके अलावा? एमिनिटीज़ में हमारी बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, टेनिस कोर्ट, सामने ये क्रिकेट पिच आप देख रहे हो, प्रैक्टिस रेंज अभी इसका थोड़ा सा और इसको क्लियर किया जाएगा। जी जी, बाकी स्विमिंग पूल, जिमनेजियम, बैंकेट हॉल, स्केटिंग रिंग, ये सारी चीज़ें ऑपरेशनल हैं। ऑपरेशनल अभी हम बच्चों के लिए कुछ एक्टिविटीज एरिया और स्क्वैश कोर्ट ये और हम बनाएंगे, और बनाने वाले हैं जी। क्लब हाउस में क्या क्या चीज़ें हैं? क्लब हाउस में हमारा जिमनेजियम, योगा सेंटर, इंडोर गेम्स और हमारा एक बैंकेट हॉल। बैंकेट हॉल, ये सारी चीज़ें। पूल भी सामने आपका दिख रहा है, लग रहा फंक्शनल है शायद। जी हाँ, फंक्शनल है जी। तो सर हमारे पास क्या क्या साइजेस अवेलेबल है यहाँ पर? 2 BHK में 1294 स्क्वायर फीट का है, 2 BHK विद स्टोर। अच्छा, 3 BHK में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे जिसमें 3 BHK विद स्टोर 1769 स्क्वायर फीट का साइज है, फिर 3 BHK प्रॉपर है 1781 स्क्वायर फीट, फिर 3 BHK प्लस स्टडी एंड स्टोर का ऑप्शन है जिसमें 1905 एंड 1917 ये साइजेस आपको मिलेंगे। फिर हमारे पास है लग्जरी सेगमेंट में 4+1 का, इसमें 4 BHK प्लस स्टडी एंड स्टोर, ये 2535 स्क्वायर फीट। यानी सर मैं समझता हूँ यहाँ पे 2 BHK से लेकर 3-4 BHK उससे भी काफ़ी तरह वेरिएंट, मतलब किसी कैसी भी रिक्वायरमेंट हो सारी फुलफिल हो जाएगी, सब कुछ है। और सर ये तो बात होगी हमारी टाउनशिप की, इसके अलावा मार्केट्स और कमर्शियल क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हैं सर? आप अगर देखें तो ए ब्लॉक के नीचे ही हमने 11 शॉप्स दिए हुए हैं। अच्छा जी, जहाँ आपको डेली रूटीन की सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होंगी विद इन कैंपस। तो अभी ये फंक्शनल है या होंगी? ऑलरेडी रेडी है, केवल इसी कैंपस के लिए अभी हमने सेल उसकी नहीं ओपन अच्छा, की, नहीं की वो केवल इस कैंपस के रेजिडेंट्स के लिए ही अवेलेबल होंगी। ओके, वो अगर चाहेंगे वही परचेज कर सकते हैं, आउटसाइडर नहीं परचेज कर सकते। ओके, अगर हम कैंपस से बाहर की बात करते हैं तो हमारा ये आपका कैलोन एम्पोरियम, हार्डली आपका गेट से 50-60 मीटर के डिस्टेंस पे फुल फ्लेज्ड आपका कमर्शियल है जो पूरी तरह से ऑपरेशनल है।
राइट हैंड साइड में आप जाते हैं 20 मीटर 30 मीटर पे तो पूरी सब्जी मंडी आपको मिल जाती है, हर एक चीज़ आपको नियर बाई में अवेलेबल है। 100 मीटर के डिस्टेंस पे आपको मेडिकल फैसिलिटीज़, वो बच्चों का स्कूल्स, DPS, LPS, ये सारी आपके स्कूल्स आ जाते हैं, यानी स्कूल, हॉस्पिटल्स, मार्केट्स, सारी चीज़ें नियर बाई वॉकिंग डिस्टेंस में। कनेक्टिविटी से अगर हम बात करें कैसी है कनेक्टिविटी, आप वृंदावन योजना ऐसी लोकेशन है कि लखनऊ के किसी भी एरिया में आप जाते हैं हार्डली 15 से 20 मिनट का ट्रेवल टाइम है आपका। शहीद पथ का डिस्टेंस कितना होगा सर यहाँ से? शहीद पथ हार्डली आपका 800-900 मीटर, मोटा मोटा 1 किलोमीटर के अंदर ही आपकी चीज़ें हैं, और रायबरेली रोड ही बगल में है। रायबरेली रोड आपका 1 to 1.5। यहाँ से अगर हमें लुलू जाना हो तो और क्या सा रास्ता है? एक तो आपका शहीद पथ से कनेक्टिविटी है, शहीद पथ से दूसरा सेक्टर 14 से हमारा एक कनेक्टिविटी रोड है जो अवध बिहार योजना के पीछे उतर फ्लाईओवर होते हुए डायरेक्ट जा सकते हैं, भीड़ भाड़ से आप बच सकते हैं, डायरेक्ट जा सकते हैं। जी हाँ, जहाँ मैं सोचता हूँ 6 से 7 किलोमीटर का डिस्टेंस है मुश्किल से, यहाँ से आपका लुलू मॉल 2.5 से 3 किलोमीटर नजदीकी है, विद इन 10 मिनट के ड्राइव में है। तो सर आज हम कौन सा देखने वाले हैं फ्लैट 3BHK का? हम अभी 1781 का साइज, 1781 का साइज। ठीक है व्यूअर्स, आइए चलते हैं सैंपल को देखते हैं, उसके बाद प्राइस की बात करते हैं। तो फ्रेंड हम आ चुके हैं लॉबी स्पेस में और यहाँ पे हम देखेंगे पर्टिकुलर 3BHK के फ्लैट को। तो सर अभी हम कैसे क्या देखने वाले हैं, कौन सा फ्लैट देखेंगे? अभी हम देख रहे हैं 1781 स्क्वायर फीट का 3BHK, 1781 स्क्वायर फीट का 3BHK जी। इसमें ये हमारा कॉमन एरिया है, दो स्टेयर के और दो लिफ्ट, दो लिफ्ट है हमारी जी जी। एक फ्लोर पे 7 यूनिट्स है हमारे, एक 4+1, 3+1, 1 3BHK एंड 2 जो है वो 2BHK के फ्लैट्स हैं। एक फ्लोर पे 7 यूनिट है, 2, 3+4 तक आपके देखने को मिलती हैं, हर तरह की यूनिट्स हैं। तो दो यूनिट आपके इधर आ जाएंगी, ये 2BHK होगी, ये 2BHK हो जाएंगी, यहाँ पे एक स्टे केस आ जाएगा, और इधर सर हमारा 3+1 के 2 यूनिट, 3+1 यानी 3BHK प्लस स्टडी और स्टोर, और इस तरफ सर, इस तरफ हमारा 4BHK प्लस स्टडी स्टोर पे 1 यूनिट है सिंगल। इस तरफ अगर हम इधर हमारा लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो 3BHK 1781 का साइज है, और राइट हैंड साइड में 3+1 का साइज, और यहाँ पर आपके दो लिफ्ट हो गए हमारे प्रॉपर, और दूसरा स्टे वहाँ पे आ जाएगा, ये दूसरा स्टे। तो स्पेस में देख रहा हूँ लॉबी का स्पेस भी काफी वाइडर है जी, और हर तरफ खाली दो ही फ्लैट है मोस्टली जी। तो ये हमारा 1781 स्क्वायर फीट इसकी मेन एंट्रेंस। और फ्रेंड इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े बता दूं, यहाँ पे अभी कंपनी का ऑफिस है 3BHK के फ्लैट में, बट आप देख सके आइडिया लगा सकते हैं क्या साइजेस रहेंगे ड्राइंग डाइनिंग और रूम्स के। प्लीज सर, ये हमारा फ्लैट की एंट्री है जी, इसमें फर्स्ट बेडरूम गेस्ट रूम के साथ, अभी ये ऑफिस का सेटअप बनाया हुआ है ऑफिस के पर्पज से। इसका सर एक मोटा मोटी डायमेंशन 11x17, अच्छा 11x17 एक बड़ा साइज है सर ये। हाँ, फर्स्ट बेडरूम विद अटैच वॉशरूम, वॉशरूम का साइज है डिसेंट से फ्रेंड्स, और इससे साथ अटैच बालकनी मुझे दिख रही है यहाँ पर, बालकनी भी साथ आपकी। इसे एक बार खोल देंगे सर, देख लेते हैं कैसा है। तो एक लंबी बालकनी है फ्रेंड्स, और यहाँ पे आपने टैप भी दे रखा है, हर एक बालकनी में आपको वाटर कनेक्शन मिलेगा। अच्छा, वाटर कनेक्शन दे रहे हैं, ठीक है सर। इसमें टोटल 5 बालकनीज हैं। अच्छा, 5 बालकनी 3BHK में, नंबर ऑफ बालकनीज भी अच्छी खासी है। 3 साइड ओपन है यूनिट, 3 साइड ओपन, और वार्डरोब के लिए स्पेस किस तरह? वार्डरोब का स्पेस ये डोर के पीछे वार्डरोब का स्पेस दिया हुआ। अच्छा, यहाँ पे एक अच्छा सा वार्डरोब का स्पेस हो जाएगा, 11x17 के आसपास रूम का साइज है। 3BHK लिविंग एरिया, इससे एक सेपरेट बालकनी है, आइए उसे देख लेते हैं। इसके साथ स्लाइडिंग डोर के साथ बालकनी आ जाएगी, तो ये लिविंग स्पेस हो गया। ये अभी हमने टेम्परेरी केबिन बनाया हुआ है। अच्छा, ये डाइनिंग एरिया है, हॉल का ही ये भी पार्ट होगा। अच्छा, ये भी डाइनिंग का पार्ट रहेगा, इसे कवर कर रखा है जी। ठीक है, राइट हैंड साइड में किचन, यहाँ पे किचन आ जाएगा, किचन में भी यूटिलिटी स्पेस आपने दी हुई है, आपकी अटैच यूटिलिटी है। ये काफी अच्छा रहता है फ्रेंड,
किचन के साथ यूटिलिटी रहने से काफ़ी आसानी हो जाती है। और फ्रिज का स्पेस यहाँ पे आ जाएगा सर, है ना? फ्रिज का स्पेस ही होगा। ये अभी हमने कवर्ड कर रखा है, डोर लगा रखा है, अदरवाइज ये ओपन किचन होगा, ओपन किचन, ये डोर्स नहीं होंगे। तो आप बता रहे थे ये स्पेस डाइनिंग का, डाइनिंग का सेक्शन। अच्छा, डाइनिंग का स्पेस है, अभी आपने इसे ऑफिस पर्पस से केबिन बना रखा है। तो फ्रेंड यहाँ से ऐसे समझे, ये पूरा एरिया आपका यहाँ से जा रहा है डाइनिंग, किचन, और इधर आपका लिविंग से वहाँ तक जाएगा फर्स्ट गेस्ट रूम तक। अब आगे चल रहे हैं नेक्स्ट बेडरूम्स की तरफ। ये हमारा कॉमन वॉशरूम है। अच्छा, कॉमन वॉशरूम, एक अच्छा सा स्पेस मिल रहा था जाने पर सर। इस स्पेस को भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। हाँ, वार्डरोब के पर्पस से आप यहाँ पर ड्रेसर का पर्पस। हाँ, और इस कॉमन वॉशरूम का साइज ही काफी अच्छा है, बड़ा साइज, 5x8 का साइज है। आप जैसा देख रहे हो एग्जॉस्ट फैन छोड़ के बाकी सारा सब कुछ एज इट इज मिलेगा। अच्छा, एग्जॉस्ट फैन को छोड़ के वॉशरूम कंप्लीट आपको मिलेगा जी। ये थर्ड बेडरूम, इसका क्या रूम साइज होगा सर? 11x13। हाँ, इसमें वार्डरोब का आपका प्रॉपर स्पेस, वार्डरोब के लिए वहाँ पे स्पेस है। और इस बेडरूम में भी आपकी बालकनी है, कर्व बालकनी, एल शेप की बालकनी है। हाँ, ये पूरी बड़ी बालकनी आती है, यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी बालकनी, ऐसे जाती है, तो एक प्यारी खूबसूरत बालकनी है जो यहाँ तक कर्व होती है। तो हमने दो बेडरूम देख लिए हैं। ये हमारा तीसरा बेडरूम है, मास्टर बेडरूम, अटैच वॉशरूम के साथ। मास्टर बेडरूम विद अटैच वॉशरूम, इसका क्या डायमेंशन है सर? 11x13। 11x13। वार्डरोब का स्पेस, वार्डरोब स्पेस, इससे एक अलग बालकनी है। एक बड़ी बालकनी आपने यहाँ पे दी हुई है, एक बड़े साइज की बालकनी है, 4-5 इजली यहाँ पे आ सकते हैं। इसके साथ अटैच वॉशरूम, ये अटैच वॉशरूम, तो फ्रेंड जैसे कि मैं आपको लेआउट ब्रीफ कर दूं, देन उसके बाद हम प्राइस के पार्ट पर डिस्कशन कर लेंगे। यहाँ पर अभी मैं एक सेंटर में आप सुन लीजिए खड़ा हूँ, यहाँ पे आपका एक बेडरूम आ जाएगा, एक बेडरूम यहाँ पर, यहाँ पे मास्टर बेडरूम विद अटैच वॉशरूम एंड अटैच बालकनी, यहाँ पर भी बेडरूम के साथ बालकनी है और यहाँ पे कॉमन वॉशरूम है। पीछे की तरफ हम आते हैं, ये डाइनिंग का पोर्शन आपका होगा, यहाँ से डाइनिंग स्टार्ट हो रही है, समझ लीजिए बाद में वॉल हट जाएगी ऑफिस स्पेस में। ये किचन आएगा, किचन ओपन रहेगा, अभी टेम्परेरी डोर है। पीछे आप आते हैं लिविंग स्पेस में, लिविंग के साथ आपको बालकनी देखने को मिल जाती है। और पीछे जब हम आते हैं तो ये गेस्ट बेडरूम विच इज़ 11x17, बड़ा साइज है। और यहाँ पे एक बड़ा सा पैसेज आपका आता है, जब आप अपने फ्लैट से एग्जिट करते हैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको एक्सेस मिलता है लिफ्ट का एंड स्टेयर्स का। तो फ्रेंड जैसे कि आपने सैंपल देखा, अब हम आ चुके हैं क्लब हाउस में। तो सर यहाँ पे हम थोड़ा सा क्लब हाउस के बारे में और प्राइस के बारे में बताएंगे। जी जी, तो सर क्या क्या एमिनिटीज़ क्लब में हमारे पास? ये हमारा पहला जिम का सेक्शन है। ओके, जो जिमनेरियम हमारा इस सोसाइटी के लिए है, तो फुली ऑपरेशनल है सर यहाँ पे, पूरी तरह ऑपरेशनल है। प्रॉपर आपको जिम मिलेगा, ये नहीं केवल नाम के लिए दे दिया गया कि 2-3 मशीन भी, आपको प्रॉपर प्रोफेशनल जिम मिलेगा। ओके, हमारे ट्रेनर भी हैं। तो उसने यहाँ पे भी क्या कॉस्टिंग आती है प्राइस की, अगर हम 2-3 BHK की बात करें? 2 BHK हमारा स्टार्ट होता है 80 लाख के अप्रॉक्स, 80-81 से, और 3 BHK हमारा 1 करोड़ 12 लाख से लेके 1 करोड़ 26 लाख तक ये कॉस्टिंग, ये वेरी करता है। और 4 BHK सर? 4 BHK हमारा 1 करोड़ 60 लाख से 1 करोड़ 67 लाख। ओके, 1 करोड़ 60 से 1 करोड़ 70 तक जाता है। हाँ। तो फ्रेंड जैसे कि हमने पूरी टाउनशिप को देखा और अपने 3 BHK देखा, आने वाले वीडियो में आपको 2 BHK 4 BHK भी दिखाएंगे। कोई क्वेरी है देने पर भी आप कॉल कर सकते हैं सेल्स टीम को, यहाँ पे आपको संतोष जी उनकी सेल्स टीम मिलेगी, आप विजिट कर सकते हैं और इस प्रोजेक्ट को देख सकते हैं। रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट है, कुछ प्रोजेक्ट आपके जुलाई से प्रदर्शन होने वाले, कुछ दिवाली से।